शिक्षाविद डॉक्टर महेश प्रसाद चौबीसा को शिक्षकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। डूंगरपुर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला अध्यक्ष बलवंत बामनिया, जिला मंत्री दिलीप सिंह चौहान ने बताया कि शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला संरक्षक एवं शिक्षाविद डॉक्टर महेश प्रसाद चौबीसा का मंगलवार देर रात निधन हो गया था। मुखाग्नि उनके पुत्रों संदीप एवं डॉक्टर ऋषिन चौबीसा ने दी। दिव्य आत्मा के सम्मान में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश संगठन मंत्री प्रहलाद शर्मा, प्रदेश सभा अध्यक्ष अरविंद व्यास, प्रदेश महिला मंत्री जयमाला पानेरी व प्रदेश माध्यमिक सचिव रमेश पुष्करणा की गरिमाय उपस्थिति में जिला कार्यकारिणी तथा 100 उप शाखाओं की कार्यकारिणी सदस्यों एवं बड़ी संख्या में शिक्षकों ने विद्यानिकेतन विद्यालय नई बस्ती डूंगरपुर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। राजस्थान शिक्षक संघ और कर्मचारी महासंघ में दीर्घकाल तक जिला अध्यक्ष रहे डॉक्टर महेश प्रसाद चौबीसा ने 1970 में गलियागोट में गणित व्याख्याता पद पर कार्य प्रारंभ किया तथा 1978 में राजस्थान शिक्षक संघ के सदस्य बने। डॉक्टर चौबीसा ने कड़ी मेहनत कर अपने बलबूते पर राजस्थान शिक्षक संघ को पूरे जिले में खड़ा किया। 1979 में जिला अध्यक्ष का पदभार संभाला तथा जिले में सबसे पुराने संगठन की नींव रखी तथा जिले की सभी पंचायत समितियों गांव ढाणियों तक पहुंचाया। शिक्षक समस्याओं के समाधान के लिए उस समय पोस्टकार्ड लेखन पत्र लेखन तथा पत्र पत्रिकाओं में समाचार लेखन से समाधान हेतु हमेशा तत्पर रहे। वर्ष 1978 में अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष बने तथा 1985 में राजस्थान शिक्षक संघ के संभाग संगठन मंत्री बने। 1987 में बिछीवाड़ा ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्य किया तथा 1998 में महारावल स्कूल के प्रधानाचार्य के पद पर सेवानिवृत्त हुए। राजस्थान शिक्षक संघ कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष के बड़े पद पर रहकर भी उन्होंने कुशल संगठनकर्ता के रूप में अपनी बखूबी अहम भूमिका निभाई तथा हमेशा शिक्षक समस्याओं हेतु तत्पर रहकर जनसंपर्क कर एवं मृदु व्यवहार से पूरे जिले तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेदाग एवं बेबाक शिक्षक नेता के रूप में छवि स्थापित की। आपातकाल में इनका बाड़मेर स्थानांतरण कर दिया गया, जिस पर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय एवं अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ द्वारा मामला राज्यपाल तक पहुंचा दिया गया और उस समय राष्ट्रपति शासन होने के कारण राज्यपाल ने मौखिक आदेश पर डायरेक्टर को स्थानांतरण निरस्त करना पड़ा। रविवार को आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह चौहान, पूर्व शिक्षक नेता वेलचंद पाटीदार, सतर सिंह लवाना, महेश शर्मा, शगन लाल जैन तथा वर्तमान में शिक्षक संघ के संभाग संयुक्त सचिव देवीलाल पाटीदार, विभाग संगठन मंत्री प्रवीण जैन, जिला संगठन मंत्री राजेंद्र वराहत, महिला संगठन मंत्री गोविंद कुंवर, समस्त जिला कार्यकारिणी तथा 200 उप शाखाओं की कार्यकारिणी के अध्यक्ष, मंत्री, कार्यकारिणी सदस्य एवं पूर्व पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे एवं दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके नाम को हमेशा शिक्षक संघ याद करता रहेगा। हम उस शैली को अपना एक ध्येय चलाते हुए उसका अनुसरण करें और उनके बताए हुए पदचिन्हों पर हम चलते हैं। समाज में जिस प्रकार से उन्हें एक श्रेष्ठ सुविधा मिली थी, हम भी समाज के लिए कुछ अर्पण कर सकें, कुछ इस नाते इतना ही निवेदन करते हुए आप सभी से पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि हम सभी उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर संगठन और समाज में अपनी सुविधाओं को बिखेरेंगी, संगठन के लिए हम कुछ और अधिक काम करेंगे, तो ये सच्ची श्रद्धांजलि मेरे अनुसार होगी। इतना ही निवेदन करते हुए
आपके अपने क्षेत्र की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे News24 पब्लिक वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक व शेयर करें।